Hello, my dear student. I am your teacher from your Sumi Singh Convent School. How are you, student? आप सभी कैसे हैं? I hope all of you student will be fine. आप सभी अच्छे होंगे और घर पर ही रह रहे होंगे और घर पर ही रह करके पढ़ रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे. So, my dear student, this is your GK book. This is for class 3rd. So, my dear student, let's start. सो दिस इज चैप्टर फर्स्ट. दिस फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ फ्लोरा एंड फोना. यहाँ पर कुछ फ्लोरा हैं आपकी, जिनको आपको मैंने पढ़ा दिया. कुछ वनस्पतियाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है. प्लांट्स मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर कम से कम 5 लाख पौधों की ऐसी जातियाँ हैं जो दो भागों में बांटी गई हैं. एक तो जिसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं, और एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं. सो माई डियर स्टूडेंट, ये जो है वनस्पतियाँ हैं, ये बहुत लाखों जानवरों के जीवन का आधार होती हैं. यहाँ पर बहुत ऐसे छोटे भी जानवर होते हैं, छोटे भी जीव जंतु होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है. तो माई डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर एक पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिनके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं, और ये सनलाइट में और पत्तियों में जो है प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और ये प्लांट्स जो है वो सूखे स्थानों पर, ज़्यादा ठंडे स्थानों पर नहीं रह पाते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए. तो माई डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा दिया था. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स हैं, जानवरों के बारे में हमें कुछ पढ़ना है. तो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कम से कम जो है 1 लाख या उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको जानवरों की जातियाँ मिलेंगी. जो है 1 लाख या उससे भी ज़्यादा आपको इसकी जातियाँ मिलेंगी. हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान हो चुकी है, आइडेंटिफाई जिनको पहचान कर लिया गया, जिनकी पहचान हो चुकी है. एंड देयर आर मेनी मिलियंस मोर एट टू बी डिस्कवर्ड, और अभी भी ऐसे लाखों हैं जिनकी पहचान करना बाकी है, जिनकी डिस्कवर हो चुकी है या फिर होने वाली है. ऐसे अभी लाखों स्पेसीज हैं, ऐसी प्रजातियां हैं. एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन नियरली ऑल द अर्थ, जो है ये जो जीव हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहां पर अभी सॉरी ये अर्थ पर अभी पाए जा रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हैबिटेट्स इंक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ द ओशियंस, ये जो है महासागरों के गहराई में ये निवास करते हैं. जो है महासागर या समुद्रों की गहराई में आप कह लीजिए, समुद्र के बहुत नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा होती हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं, फौना होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं जो वो समुद्र के अंदर रहते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते. तो सो माय डियर स्टूडेंट, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. फ्रीजिंग आर्कटिक एंड इवन इनसाइड अदर एनिमल्स, जहाँ पर बर्फीले आर्कटिक में जो है वहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है अंदर की तरफ रहते हैं, बहुत सारे जानवर और पौधे जो है. मैंने जैसा आपको अभी बताया कि समुद्र के नीचे बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर रहते हैं. द एनिमल्स किंगडम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जो एनिमल का राज्य है, जो उनका किंगडम है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है. चलिए पढ़ते हैं वो कौन से दो भाग हैं. एनिमल्स विथाउट बैक बोन्स, एनिमल्स विथाउट बैक बोन्स. बैक बोन्स मीन्स क्या होता है, रीढ़ की हड्डी. तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास विथाउट रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की, वो बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं. तो सच है वो जानवर हैं स्नेल्स लॉबस्टर्स, वो जो है स्नेल्स और लॉबस्टर्स हैं, जो घोंघा जिनको और झींगा जिसको बोलते हैं और घोंघा बोलते हैं, ये सब इनके पास पीछे की हड्डी या पीठ की हड्डी जिसको कह लीजिए आप, वो नहीं होती है. एंड एनिमल्स विथ बैक बोन्स, और कुछ जो है जिनके पास होती हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती हैं, ऐसे जानवर सच एज फ्रॉक्स एंड मंकीज, वो कौन से होते हैं, वो मेंढक होते हैं और मंकीज आपका बंदर होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के बारे में जानकारी पड़ी कि एनिमल्स रहते कहाँ हैं और उनकी कितनी जातियों की उनके पहचान हो चुकी है, कितने अभी बाकी हैं. कुछ तो महासागरों के और समुद्रों के अंदर रहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको पढ़िए और आप जानकारी दीजिए और फ्लोरा एंड फौना के बारे में. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट, तो आप ज़रूर कंप्लेन करें. सो माय डियर स्टूडेंट, टिल देन वी सेफ बी हैप्पी, सी यू सून.